नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत है शुभम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और हम अपने चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर के से रिलेटेड वीडियो समय समय पर आप तक पहुंचाते रहते हैं। और अभी हमारी श्रृंखला चल रहा है टैली प्राइम, और टैली प्राइम के अंतर्गत हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट समझे थे, और इसी के साथ हमने समझा था कि आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उस पर किस प्रकार डिलीवरी चार्ज जो है कि इंक्लूड करें, इसके साथ ही इंश्योरेंस चार्ज इंक्लूड करें। आज उसी के सेशन में, उसी के संबंध में हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस सेशन लगा रहे हैं, और प्रैक्टिस के अंतर्गत हमारा जो क्वेश्चंस है वो कहता है कि परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम एसर इंडिया लिमिटेड विद डिलीवरी चार्ज ऑन परचेज 500 बिफोर चार्जिंग जीएसटी एंड इंश्योरेंस चार्ज ऑन परचेज ऑफ आर एस 200 एंड डिस्काउंट माइनस 2% आफ्टर चार्जिंग जीएसटी। आइटम है हमारा एसर लैपटॉप एसर 4720Z, दो नग है, 32,500 रेट है, और इस प्रकार से 65,000 अमाउंट बन रहा है। इसी प्रकार लैपटॉप हमारे पास कॉम्पैक्ट का है, 38,500 रेट है, और लैपटॉप एससीएल है 35,000 का, टोटल अमाउंट बन रहा है 38,500। इस पर यदि हम इंक्लूड करें जीएसटी तो 28% हमें टैक्स कैलकुलेशन करना है, और ये बन रहा है 38,780, जिसमें सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों का अलग अलग करना है। एक्सेल शीट में हमने दोनों का एक साथ कर रखा है। डिस्काउंट की यदि हम बात करें तो डिस्काउंट 2% की बात की जा रही है, तो 2% यदि हम डिस्काउंट इसका निकालते हैं अमाउंट का, तो यहाँ पर आ रहा है 2,770 रुपये। टोटल विद जीएसटी यदि निकालें तो 1,74,510 रुपये आ रहा है, जिसमें हमने इन दोनों को प्लस किया है और डिस्काउंट को माइनस कर दिया है। इसके बाद डिलीवरी चार्ज है 500 रुपये और इंश्योरेंस चार्ज है, इस प्रकार से 1,75,210 रुपये है। और हमारा बिलिंग वैल्यू आना है 1,75,350, जिसमें जो डिलीवरी चार्ज इस पर जीएसटी कैलकुलेट हुआ है और इंश्योरेंस पर भी जीएसटी कैलकुलेट हुआ है। एसेसेबल वैल्यू यहां पर कैलकुलेट हुआ है और इस प्रकार से 1,75,350 का है। तो चलिए एंट्री में, इस टैली में एंट्री देखते हैं किस प्रकार से होगी। तो हम चलते हैं टैली स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम वाउचर में जाएंगे और जो है कि परचेस में एंट्री करेंगे F9 से, और इनवॉइस विद कंट्रोल ई से आप सदैव करिएगा आइटम इनवॉइस एंटर करेंगे। यहाँ पर पार्टी नेम हम सिलेक्ट करते हैं एसर इंडिया, तो हमने परचेस किया है, परचेस ऑन परचेस में आ जाएगा। तो एसेसेबल वैल्यू या क्लासिफिकेशन नेचर वैल्यू है, तो क्लासिफिकेशन नेचर वैल्यू को अभी हम एंटर कर देंगे, इसकी आवश्यकता हमें आगे लगना है। नेम ऑफ आइटम में हमारा सबसे पहले एसर का है, तो एसर हम लैपटॉप सेलेक्ट करेंगे, लैपटॉप एसर 47 ये बना हुआ था हमारे इसमें। यदि आपके इसमें नहीं बना है तो अल्ट सी करके आप इसका लेजर बनाएंगे, लैपटॉप एसर, और अंडर ग्रुप लैपटॉप ले लेंगे। कैटेगरी अपने नॉट एप्लीकेबल है, आप चाहे तो एप्लीकेबल कर सकते हैं। यूनिट में 9 हम सिलेक्ट करेंगे। जीएसटी कैलकुलेशन एप्लीकेशन एप्लीकेबल, और यहाँ पर यस करेंगे, और 28% टैक्सेबल वैल्यू के अंतर्गत 28% इसका स्लैब डाल देंगे हम यहाँ पर। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी 2 पीस की बात हो रही है। रेट हम देख लेते हैं, तो रेट यहाँ पर 32,500 है, 32,500 हम यहाँ पर डाल देते हैं, एंटर करेंगे। और एंटर से आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं हम। अगला हमारा प्रोडक्ट देख लेते हैं, लैपटॉप कॉम्पैक्ट का है। तो लैपटॉप कॉम्पैक्ट के हमारे पास लेजर बना हुआ है, यूनिट शायद 1 पीस है, देख लेते हैं। 19 है यहाँ पर, 38,500 का रेट है, ये हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। और लैपटॉप एससीएल का है, तो हम लैपटॉप एससीएल सिलेक्ट कर लेते हैं, ये भी 19 है, हम अमाउंट देख लेते हैं, ये 35,000 का है, तो हम यहाँ पर 35,000 इसका अमाउंट डाल देते हैं। टोटल 1,38,500 हो गया है। अब इस पर हम जीएसटी कैलकुलेशन कर लेते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी
दोनों को हम लेंगे। इसके बाद डिस्काउंट का लेजर आपको बनाना है। यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर में पिछला वीडियो क्लास में बनाना बताया था, फिर भी हम चाहें तो आप इस पर देख सकते हैं। अल्ट सी से लेजर बनाना है और इसको ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर लेना है। टाइप ऑन ड्यूटी टैक्स जीएसटी, सेंट्रल टैक्स सीजीएसटी को, एसजीएसटी को स्टेट टैक्स, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर दोनों लेजर बनने के बाद अब हम इस पर डिस्काउंट का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर डिस्काउंट का लेजर आपको बना लेना है, डिस्काउंट ऑन परचेस, और ये जाएगा अंडर परचेस अकाउंट के, बता देता हूँ आपको मैं। डिस्काउंट ऑन परचेस परचेस अकाउंट में चला जाएगा। देन यहाँ पर जीएसटी नॉट अप्लीकेबल करना है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो जीएसटी का कैलकुलेशन इस पर भी कर देगा। माइनस 2% हम देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये कैलकुलेशन हो जाएगा, 1,74,510 यहाँ पर आ रहा है। अब हम इस पर डिलीवरी चार्ज है तो डिलीवरी चार्ज हम सिलेक्ट करेंगे और कितना है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। डिलीवरी चार्ज 2,500 रुपये है तो 2,500 रुपये हम डालेंगे। और इंश्योरेंस चार्ज है तो इंश्योरेंस चार्ज हम सिलेक्ट करेंगे और 200 रुपये इंश्योरेंस चार्ज है तो वो हम इंक्लूड करेंगे। ये देखिए टोटल हमारा आ गया है 1,75,350 और यही हमें चाहिए था। तो इस प्रकार से ये इन्वेंट्री का एक बिल यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसका प्रैक्टिस सेशन लगा सकते हैं। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी प्रकार हम अगले बिल पर चलते हैं। अगला क्या कहता है हमारा, अगला कह रहा है हमारा परचेज द फॉलोइंग आइटम इन केस फ्रॉम रजिस्टर्ड शॉप। केस परचेज किया है लेकिन रजिस्टर्ड शॉप से किया है जिस पर टैक्स कैलकुलेशन होना है, जिसमें हमने यूपीएस लिया है, यूपीएस लेबनिज का है और माइक्रोटेक का यूपीएस है। चलिए तो इसकी एंट्री हम टैली में कैसे करें, तो इसके लिए वही परचेस में जाएंगे, पार्टी में यहाँ पर सिलेक्ट करना है केस और परचेस लेजर में परचेस एंटर करेंगे यहाँ पर, और नेम ऑफ आइटम यहाँ पर आपको लेजर क्रिएट कर लेना है। यूपीएस हमारे पास है, क्वांटिटी कितना लिया है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। यूपीएस एपीसी का है 1 नोस तो हम क्वांटिटी 9 सिलेक्ट करेंगे। रेट इसका है 1,600 रुपये तो 1,600 रुपये हम यहाँ पर दे देंगे। और डिस्काउंट 2% की बात हो रही है, देखिए यहाँ पर यदि डिस्काउंट का ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो तो आपको क्या करना है, F11 में जाना है और यूज डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस को यस करना है। यदि ये नो होगा तो आपका जो इनवॉइस है उसमें डिस्काउंट नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है तो F11 प्रेस करना है, देन आपको यूज डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस को यस कर लेना है, कंट्रोल एस इसको एक्सेप्ट कर देना है तो डिस्काउंट आ जाएगा। अब हम एंटर करते हुए 2% डिस्काउंट की गणना करते हैं। और यूपीएस हमारा लुमिनेस का है, पीस 2 नग है और अमाउंट यहाँ पर है 1,400 रुपये, 4% डिस्काउंट की बात की जा रही है तो 1,400 रुपये 4% नोस ही इसको सिलेक्ट करेंगे हम, 1,400 रुपये नोस और 4% डिस्काउंट की बात की जा रही है। यूपीएस एक और है हमारा माइक्रोटेक का, ये भी 2 नोस है और इसका रेट हम देख लेते हैं, रेट 1,800 रुपये और 3% डिस्काउंट है इसमें, यहाँ पर 1,800 रुपये और 3% डिस्काउंट है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट के साथ में ये जो एंट्री है इसमें क्या कर रहे हैं हम कि बाकी तो सब समान ही है, यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम है लेकिन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है, हर आइटम के ऊपर डिस्काउंट दिया गया है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, इसमें भी सीजीएसटी और एसजीएसटी का कैलकुलेशन करेंगे तो सीजीएसटी हम एलकुल। अब लेकिन देखो एक और चीज़ यहाँ पर नया आ गया, सीजीएसटी जो है ये यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के नहीं आया क्योंकि हमने केस परचेस किया और केस परचेस में टैक्स कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। तो अब इसको टैक्स कैलकुलेशन करना है क्योंकि हमने तो रजिस्टर्ड, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में ही दे रखा है परचेज द फॉलोइंग आइटम इन केस, केस परचेज करना है फ्रॉम रजिस्टर्ड शॉप, तो क्या कैसे करें, सिलेक्टेड जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, उस सामने वाले के नंबर भी कहीं ना कहीं हमने दिए हैं, यहाँ पर नहीं है लेकिन हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा, जब ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं कर रहा है जबकि इसके पहले वाले में ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पर F12 प्रेस करना है और आपको एक यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा, जीएसटी डिटेल के अंदर मिलेगा ऑप्शन मॉडिफिकेशन टैक्स रेट डिटेल ऑफ जीएसटी, इसको यस करना है। इसको यस करने से क्या होगा, आपने ध्यान दिया हो तो जब हम यहाँ से केस के एंट्री करके आगे बढ़े, यानी केस को सिलेक्ट किया, परचेस में सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर पूछता है क्लासिफिकेशन ऑन नेचर, तो अभी यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है, क्योंकि हम केस परचेस कर रहे हैं,
तो ये कहना है कि भैया ये जो कैश परचेस किया है इसमें कोई हमारा टैक्स का क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन जब हम इसको कॉन्फिगर करके यस करेंगे तो यहाँ पर अलर्ट विंडो आ जाएगा और इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है परचेस टैक्सेबल, क्योंकि हमने तो टैक्स दिया है उसका, बस शर्त ये है कि हमने कैश परचेस किया है। ठीक है, इसे यस करने पर आप देखेंगे कि जीएसटी का जो कैलकुलेशन है वो होकर के आ गया है 94 रुपीज, और सीजीएसटी आ गया है। इसके बाद हम एसजीएसटी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये आ गया। अब यहां पर जो जीएसटी कैलकुलेशन हुआ है इनके ऊपर 12% का जीएसटी है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में दे भी रखा था, तो आप सेम उसी प्रकार बना लीजिएगा, 28 जिस प्रकार से हमने कंप्यूटर का बनाया था, इसी प्रकार इन आइटम्स पर 12% टैक्स कैलकुलेशन हमें करना है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं कितने परसेंट टैक्स कैलकुलेशन है, तो जीएसटी इस पर लागू है 12% जीएसटी कैलकुलेशन है, और यही कारण है कि यहाँ पर 9494 टैक्स कैलकुलेशन होकर के आ गया है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है और अमाउंट कितना आ रहा है, बिल वैल्यू है इसकी 8,678 रुपए, और इसके अलावा क्या कह रहा है यहाँ पर, फॉलोइंग इन केस रजिस्टर्ड डीलर से हमने इसको परचेज किया है और डिस्काउंट की गणना हो गई है, और हमारा अमाउंट टैक्स कैलकुलेशन 12-12% है, और इस प्रकार से अमाउंट आना चाहिए 8,600, और हमारा अभी क्या आ रहा है 7,000। तो यहाँ पर जो हमारे लेजर सिलेक्ट किए गए हैं इनमें कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ है शायद, हम देख लेते हैं एक बार। 1,900 से 1,600 रुपये, 1,400 रुपये, और टोटल अमाउंट हमारा इसका जो आ रहा है 7,748 रुपये। तो देख लेते हैं हम, 7,748 रुपये, बस अर्थ है कि जो टैक्स कैलकुलेशन हुआ है हम यहाँ पर सिलेक्ट करके देख लेते हैं, परचेस टैक्सेबल ही है, और इनमें भी हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे आइटम्स हैं ये टैक्स इनमें इंक्लूड है कि नहीं है, इसमें 12% बिल्कुल इंक्लूड है। टैक्स हमारा 94 रुपीज बहुत कम हो रहा है, बस इसको हमें सही करना है। ठीक है, एंटर करेंगे, यस करेंगे, इसमें भी 12% का कैलकुलेशन है, शायद ये अपडेट नहीं हो रहा था, अब अपडेट हो गया है, 8,200। शायद हम यहाँ पर और थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको यस करेंगे, यहाँ पर भी सही है, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे, 8,677 रुपये हो गए। ये देखिए ये क्या हुआ था कि इसकी मेमोरी कैलकुलेशन मेमोरी कभी कभी अपडेट नहीं होती है सिस्टम की, सब ठीक ठाक था लेकिन उसने कैलकुलेशन नहीं किया था यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर नेचर ट्रांजेक्शन पे गए थे। ठीक है, तो 8,677 रुपये हो रहे हैं, और हमारा ये एक्सेल शीट क्या कहता है, 8,678 रुपये। तो यहाँ पर 77 को 78 करना है, तो एक हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर राउंड ऑफ का लेजर बना लेंगे। राउंड ऑफ का यहाँ पर बना हुआ है, आपके पास नहीं बना तो राउंड ऑफ को आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लेंगे, यस करेंगे, और हमारे क्वेश्चन में ही राउंड ऑफ यहाँ पर दे रखा है कितना करना है, 0.24 राउंड ऑफ करना है, तो हम डाल देते हैं 0.24, और जैसे इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 8,678 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए अगली एंट्री की ओर चलते हैं, अगला क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, परचेज द फॉलोइंग आइटम, आई बॉल इंडस्ट्रीज से हमने परचेज किया, 2% उस पर डिस्काउंट पाया है, जीएसटी कैलकुलेशन इसमें 28% करना है, तो चलते हैं टैली स्क्रीन पर, परचेज की एंट्री है और किसे लेना है, आई बॉल से लेना है, परचेज में चले जाएंगे, टैक्स क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखिए, जब हम पर्टिकुलर कंपनी से खरीद रहे तो वहां पर तो टैक्स स्लेब टैक्स का कैलकुलेशन होना ही है, तो ऐसी स्थिति में नेचर क्लास जो ये क्लासिफिकेशन नेचर नॉट एप्लीकेबल करना है आपको, एंटर करेंगे, और सबसे पहले हम चले चलते हैं लैपटॉप एसर में, क्वांटिटी कितना बोल रहा है,
एक पीस ही है, तो एक पीस 32,500, एक पीस 32,500। ये पहले हम कर चुके हैं इसलिए ऑटोमेटिक ले लिया है। इस एंट्री में भी लैपटॉप वही दोबारा से परचेस किया गया है। थोड़ा सा इस एंट्री में अंतर है, डिफरेंट तरीके से दे दिया गया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं और नहीं है, इसमें टोटल पर 2% डिस्काउंट का ही कैलकुलेशन करना है, डिलीवरी चार्ज और इंश्योरेंस चार्ज नहीं करना है। लैपटॉप है HP का, तो हम ले लेते हैं लैपटॉप HP का। ये हमारे पास लेजर स्टॉक आइटम बना है। आपके पास नहीं बना हो तो अल्ट सी से आप क्रिएट करेंगे लैपटॉप HP और अंडर ग्रुप चला जाएगा लैपटॉप, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल। और इसमें भी वही GST में कैलकुलेशन में जाना है, यस करेंगे और यहाँ पर 28% आपको दे देना है। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक पीस है, रेट हम यहाँ पर देख लेते हैं कितना है। तो 48,000 का ये लैपटॉप है, 48,000 रुपये हम यहाँ पर डाल देते हैं, एंटर करेंगे। अगले और चलेंगे, अगला है लैपटॉप IBM का, 27,000 रुपये का एक नोस। तो लैपटॉप IBM है थिंकपैड, एक पीस और 27,000 रुपये इसका अमाउंट है। इसके बाद हम यहाँ पर वही डिस्काउंट की गणना करेंगे। डिस्काउंट ऑन परचेस 2% की बात हो रही है, -2%, माइनस नहीं लगा है, प्लस कर लेगा वो, -2%, तो ये माइनस हो जाएगा, 105,350 रुपये आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम इस पर GST कैलकुलेशन करेंगे। CGST 15,000 रुपये और SGST 15,000 रुपये, टोटल 135,450। हमारा डेटा देखते हैं, 135,450 बिल वैल्यू बता रहा है। तो इस प्रकार से आप जो है कि परचेज की एंट्री पास करवा सकते हैं आसानी से, इजी। यदि आगे हम समझेंगे ईवे बिल, अभी हम इसको नॉट अप्लीकेबल करके और एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा बिल वैल्यू मिलना चाहिए। अब हम आपको एक प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, और प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है वो ये रहा हमारा, परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम SCL लिमिटेड विद डिलीवरी चार्ज ऑन परचेज बिफोर GST ऑफ RS 500। लैपटॉप HCL और दो पीस है ये, 35,000 एक का प्राइस है। लैपटॉप कॉम्पैक्ट, इसका भी 35,000 है। लैपटॉप IBM थिंकपैड 27,000 है। टोटल बिल अमाउंट आ रहा है 2,48,960 रुपये। ये आपका भी आना चाहिए, ये इसलिए दिया गया है ताकि आपका भी आए। यहाँ पर राउंड ऑफ इसमें करना 0.02 रुपीस राउंड ऑफ करना है, तो ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये करके देखिएगा, और हमें उम्मीद है कि आपको ये बात, आज का जो कंसेप्ट है ये समझ में आएगा, बखूबी आप इसको कर पाएंगे। तो आज की क्लासेस में इतना ही, अगले इसमें और भी हम इस प्रकार से प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद हम जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फिक्स एसेट परचेस और उस पर टैक्स का कैलकुलेशन, और कैसे हम जो है कि क्रेडिट लें, यानी ITC को हम इसमें क्रेडिट करें। तो आज के लिए इतना ही।